चलिए बेटा हमें स्टार्ट करते हैं आप कंपटीशन नेट कैश पेबल टू वर्कर। वर्कर को नेट कैश कितना देते हैं? तो सबसे पहले ग्रॉस लेबर कॉस्ट जो पहले निकाला गया था वो पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम लेस क्या क्या करते हैं, इम्प्लायर एंड इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। जो इम्प्लायर कंट्रीब्यूशन और इम्प्लॉय करता है वो माइनस करते हैं। लेस इम्प्लायर एंड इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसको भी माइनस करते हैं। लेस इम्प्लायर इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्लॉई बनेबल फंड्स, ये माइनस करते हैं। इंस्टॉलमेंट फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी लोन टेकन बाय द इम्प्लॉई, अगर कोई लोन लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट के लिए हम डिडक्ट करते हैं। डिडक्शन अगेंस्ट अदर एडवांटेजेस एंड ड्यूज, लेस इम्प्लायर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेच्युटी फंड्स, लेस नॉन कैश पार्क, ये सारे चीजें लेस करते हैं। फिर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS जो होता है वो डिडक्शन करते हैं। उसके बाद नेट कैश पेबल टू द वर्कर हो जाता है। ये नेट कैश पेबल टू द वर्कर, ये सारी चीजें को माइनस करने के बाद। ओके, थैंक यू बेटा।